Oh,
पोदीला निकाल तो पोदीला 96 पोदीला आरोना पुरबा जिजमानी गोरा आमनी जागे बाखत समा लैया बताते गेला नागरा प्राजे काथरी काथरी बाजल मोर धन रन ताहे Bye.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निखिल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निखिल बोल हरि 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 बोल गौर प्रेमानंदे बाबा गलाबड़ी हो मैं ज्ञानित मिराम दस ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि सर्वप्रथम लीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत गल्य श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने से पहले ये जगत का स्थिति कैसे थी, भक्त क्या चीज किसको पता ही नहीं, जो तिलक कंठी माला धारण करते बोली क्या चीज है, जो हरे कृष्ण नाम करते भैया कीर्तन क्या चीज होता है कुछ पता ही नहीं, कीर्तन वीर्तन क्या चीज होता है, भगवान का नाम भी क्या चीज होता है, ये किसी को भी इसी विषय पर कुछ भी पता नहीं। अगर थोड़ी सी कोई भगवान की भजन करे हैं, थोड़ा भगवान का कीर्तन करे, जो कुछ पाखंडी लोग उनको उपहास करते थे बोले सब क्या कर रहे, क्या ढोंग रचा रहे, सब कंठी माला तिलक करके हरि बोल ये सब क्या कर रहे हैं,
लोग तरह तरह का विद्रूप करते थे भक्त लोगों को, और महाप्रभु जन्म लेने से पहले महाप्रभु ने अपना भक्त लोगों का अपना परिकरों को भेज दिया है। लेकिन वो थे कौन? श्री अद्वैत आचार्य। हम गतकल्ला हम श्रवण कर रहे थे, बोले स्वभाव अद्वैत बड़ो कारुण्य हृदय जीवेर उधार चिंते हैया सदय। अभी अद्वैत आचार्य पहले आ गए, कहते ये स्वाभाविक रूप में इनका हृदय बड़े उदार बड़े दयालुता है, क्योंकि ये महाविष्णु जगत को उन्होंने सृष्टि किया है। सृष्टि किया तो अगर संसार में सृष्टि हुए लेकिन प्रभु का भजन नहीं करे, भक्ति नहीं करे, जिसकी दुनिया में तुम रह रहे हो खा रहे हो, तो उनको ही नाम कीर्तन नहीं कर रहे हो हैं। इसलिए अद्वैत बड़े चिंता और बड़े हैं उदार हृदय श्री अद्वैत आचार्य वो सोच रहे हैं, अगर मेरे प्रभु अगर इस जगत में आए, अद्वैताचार्य महाविष्णु कलिजुग का युगधर्म हरिनाम संकीर्तन कर सकते थे, लेकिन ये जो कलिजुग है ये धन्य कलिजुग, और ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो ब्रज भक्ति को देते हैं, कभी ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये काम तो मेरे प्रभु श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु ये काम को कर सकते हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कैसे वैकुंठ नाथ को मैं जगत में कैसे प्रचार करूँगा। इसलिए वो संकल्प लेकर के कहते जब मेरे प्रभु जगत में प्रकट हो और सबको लेकर के ये कीर्तन करे, जगत में सबको लेकर के ये हरि कीर्तन करे, फिर तो मेरा ये अद्वैत नाम सार्थक होगा। इसलिए वो संकल्प करते हैं और कहते श्री श्रीवास पंडित, हम कल सुन रहे थे, वो चार भाई थे बेचारे और कोई भक्ति नहीं कर रहे, वो चार भाई घर में बैठ करके चार भाई चार बहू या बच्चे लोग बैठ करके कीर्तन करते थे, लेकिन ये कीर्तन सुनकर के लोग भी उपद्रव करते थे, भले पता नहीं कहाँ से कीर्तन कर रहे हैं, कोई काम धाम कुछ है नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना हैं बिना कारण से टांग गड़ा करके झगड़ा करने वाले, भक्ति तो करते नहीं, अगर कोई प्रभु का भक्ति करे ना फिर उनको ऊपर में भी बिगड़ जाते हैं। हम कुछ दिन पहले रसिया गया था वहाँ पर भी कुछ भक्ति का प्रचार हुई, उनका एक बहुत बड़ा दल है रसिया में, वो लोग एक अच्छा प्रचारक वहाँ पर, उन्होंने लोग जो सिगरेट पीते थे शराब पीते थे और मांस खाते थे, उन्होंने भगवान की कथा सुना करके उनको सब छुड़ा दिया। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक फार्म खरीद किया जिसमें ठाकुर का मंदिर स्थापन किया, और जो वह खेती करते हैं कोई शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, गंजा नहीं पीते हैं, लेकिन उसका गांव के लोग ना उनको सब विरोध हो गए। बोले क्यों विरोध हो गए? खाली ये पहले हमारे साथ में बैठ करके शराब पीते थे हमारे साथ में, और एक साथ में हम बीड़ी फूंकते थे, मांस खाते थे, पता नहीं इन लोगों का क्या हो गया, ये और मांस खाते ही नहीं, ये शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं फूंकते, पूरा उनके जो गाँव के जो लोग हैं ना उनको सब विरोध हो गए। बोले पता नहीं ये कहाँ से एक नया पार्टी कहाँ से आ गया है, ये नया पार्टी कीर्तन पार्टी कहाँ से आ गया है, कहते एक जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी एक नया पार्टी कीर्तन पार्टी है, ये कीर्तन पार्टी कहाँ से आ गई। इसलिए उनका गांव के लोग विरोध हो गए, उनके नाम पर केस कर दिया, और जो जगह उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी करके ठाकुर का स्थापन करके और वहाँ पर खेती है खेती करते थे, सब्जी उगाया करते थे, मांस भी खाते, सब विरोध कर दिया सबके सब। लेकिन क्या हुआ, उनको कोई एक अच्छा व्यक्ति कोई एक जज कोई था जिनके साथ में इनका परिचय था, फिर उनको जा करके उन्होंने समझाए, बोले ऐसे ऐसे बात हम चाहते हैं लोग गंदे चीज से दूर रहे, शराब मत पिए, सिगरेट न मत फूंके, ड्रग्स उनके देश में ड्रग लेते हैं ड्रग्स नहीं ले, हम तो लोगों को अच्छा कराना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं ये गाँव वाले हमारे विरोध हो गए सबके सब हैं। फिर जब उनको जाकर समझाए फिर उन्होंने इनको सपट गया तो फिर ठंडा हो गया मामला, ठंडा हो गया। इसलिए ये चार भाई भजन करते, लेकिन और वहाँ पर नवद्वीप में कोई भजन करते ही नहीं, इसलिए उनको ऊपर से उपद्रव करते हैं, बोले ये रात भर ठाकुर जी सोते हैं और रात को कीर्तन करते करते ठाकुर को सोने नहीं देते लोग, अगर ठाकुर जी का अगर घूम नहीं होगा रात को अगर कीर्तन करके ठाकुर जग जाएंगे, अगर ये अगर कोई दुर्भिक्ष होगा ना
इनका सारे घर पर उठाकर गंगा में से बहा देंगे। अगर कोई उत्पात हुआ, क्योंकि ठाकुर सो नहीं पाएंगे रात को, रात भर कीर्तन करते, इनका घर को लेकर के क्या करेंगे, पानी में बहा देंगे इनके घर को। ऐसे तरह तरह का उपद्रव करते थे, हैं, जगत में कुछ लोग ऐसे बड़े उपद्रव करते थे। अभी जब श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, जैसे श्री कृष्ण आने से पहले से बलदेव प्रभु आए, हैं, बलदेव प्रभु आए, लेकिन उसको पहले रामलीला में पहले कौन आए थे, पहले राम लक्ष्मण आए, राम बड़े भाई, लक्ष्मण छोटे भाई बन करके आए। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण को द्वारा ऐसे कुछ काम करवाया जो कि जो वैष्णव जो सेवक का धर्म नहीं। क्या काम करवाए, जब उन्होंने माता सीता को लंका से लाए, लक्ष्मण को बोले तुम चिता सजा, लक्ष्मण को बोले तुम चिता सजा, बोले क्यों, बोले अग्नि परीक्षा करके, ये पवित्र ना अपवित्र है, हम इसको अग्नि परीक्षा करके लेंगे। लक्ष्मण उसमें बिगड़ गए थे पूरा पूरा, हैं, बोले मेरे से ये काम कर रहे जिसको मैं अपना माँ मानता हूँ, माँ के लिए मैं अग्नि चिता सजाऊंगा, ये कैसे धर्म है। फिर जब धोबी बोलने पर, हैं, धोबी जब उल्टा पुल्टा बोला उसको पत्नी को, बोले मैं थोड़ी राम हूँ, रावण सीता को उठा करके ले गया और एक साल तक रखा लंका में, और जब वापस आया उसको अपना बराबर सिंहासन में बैठा दिया। वो अपना धोबिन को बोला ना, तो पिछली रात कहाँ थी, क्या कर रही थी पिछली रात में, हैं, उसने बताया एक नदी पार करने का था, रिमझिम बारिश ही हो रही थी, रात हो गया था, केवट ने मेरे को पार कराने के लिए मना कर दिया, इसलिए मेरे को मजबूर से एक रात रुकना पड़ा। बोले वहीं पर रात जीवन बिताओ, तुम वहीं पर जीवन जीवन को बिताओ, हम राम नहीं। लेकिन उनको तो पता ही नहीं था असली सीता तो रावण उठा कर लिया ही नहीं, वो तो नकली सीता थी, असली सीता थी नहीं, अभी इसको ये बात पता नहीं। लेकिन लोग जो कुचक रहा था अपने आपस आपस में उल्टा पुल्टा चर्चा करने लगे। फिर रामचंद्र को पता चला तो उन्होंने लक्ष्मण को बोले जा करके सीता को जंगल में छोड़ कर जाओ। लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण छोटे भाई, छोटे भाई होने पर बड़े भैया का आदेश पालना करना पड़ता है, इसलिए नहीं चाहने पर भी राम लक्ष्मण को सीता को छोड़ कर आना पड़ा। बड़े दुखी हुए, बोला और कभी भी मैं छोटे भैया बन करके नहीं आऊँगा, आऊँगा तो क्या बन करके आऊँगा, बड़े भाई बन करके आऊँगा, फिर कन्हैया को मेरा आदेश पालना करना पड़ेगा, मैं उसका आदेश नहीं। फिर दो अवतार में वो छोटे नहीं बड़े बन करके आए, हैं, कहते श्री कृष्ण लीला में दाऊ भैया बन करके आ गए और महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु बन करके आए। इसलिए अभी महाप्रभु अवतीर्ण होएंगे, महाप्रभु उनसे पहले श्री नित्यानंद प्रभु इस जगत में आए। इसलिए यहाँ पर वर्णना करते हैं, भले माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी ते ईश्वर आज्ञा इराढ़े नित्यानंद प्रकट, कहते महा कहते श्री माघ मास शुक्ल त्रयोदशी का दिन शुभ दिन में पद्मावती गर्भ में, उनका माँ का नाम थी पद्मावती, पिताजी का नाम क्या था कोई बता सकता, हड़ाई पंडित, हैं, हड़ाई पंडित। इसलिए इनकी गर्भ में श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु जन्म हुए। बोले कहाँ पर जन्म हुए, बोले एक चक्रा ग्राम में, हम लोग गए हुए एक चक्रा, कौन कौन गए, वाह वाह सब घुमाए हो, इसलिए उसका नाम क्या नाम पड़ गया, क्यों नाम पड़ा, क्यों याद है स्थान का नाम, एक चक्र का नाम बोलो किसी लिए बड़ा। हाँ ठाकुर जी ने वहाँ से एक वो बैठा था पिरत का पहिया, वो आके वहाँ पे गिरा था, तो इसलिए उसका नाम एक चक्रा। हाँ कहते इसलिए उस स्थान का नाम एक चक्रा, मतलब एक चक्र, मतलब जिस समय ये महाभारत युद्ध हो रहा था, पितामह भीष्म ने उन्होंने प्रतीक कृष्ण का प्रतिज्ञा था, मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म का क्या प्रतिज्ञा था, तब मैं सांतन तनु कहा हूँ जब हरि से अस्त्र गाऊँ, तभी मैं सांतन का बेटा हूँ, अगर भगवान से अस्त्र धारण नहीं करा पाया तो मैं सांतन का बेटा नहीं। भक्त प्रतिज्ञा किया अस्त्र धारण कराऊंगा, भगवान क्या बोले अस्त्र धारण नहीं कराऊंगा। लेकिन जब महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध होते होते पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, सारे अर्जुन को बाण मार मार करके
सारा शरीर को छेल दिया पूरा शरीर एकदम रक्तात हो गया। अर्जुन किसी तरह से युद्ध नहीं कर पा रहा है। इतने में भगवान का क्या प्रतिज्ञा था, मेरे भक्तों का विनाश नहीं। कृष्ण को तो क्रोध आ गया, बोले बूढ़े को आज क्या हो गया, ये बूढ़ा तो आज छलांग लगा लगा करके मेरे पार्थ को ऐसे बाण मार रहा है, रक्तात हो गया सारा शरीर। जितना बार प्रत्यंचा चढ़ाई काट देते हैं पितामह भीष्म हैं, लास्ट में कृष्ण को सहन नहीं हुआ, बोले आज ये बूढ़े को मैं दिखा दूंगा। उन्होंने रथ से कूद पड़ा और एक चक्र पहिया पड़ा हुआ था, उन्होंने वो पहिया को उठा करके मारने के लिए भीष्म को जब गए, पितामह भीष्म ने अस्त्र को त्याग दे करके प्रभु को प्रणाम किया, बोले प्रभु केवल तुम्हारी एक इशारा पर ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, लेकिन आज ये तुच्छ भक्त का वाक्यों को रक्षा करने के लिए अब आज अस्त्र धारण कर लिया हैं। इतने में अर्जुन आकर के प्रभु को रोका, लेकिन भगवान कौन है, सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब होता है वो जो प्रतिज्ञा करते हैं वो सच होता है, लेकिन उन्हें चक्र उठा चुके थे, उन्होंने पहिया उठा चुके थे, तो उसको क्या करेंगे, कहते उन्होंने उसी कुरुक्षेत्र से ही उन्होंने चक्र को उन्होंने फेंका तो वो चक्र घूमते 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 कहाँ पर, कुरुक्षेत्र से जाकर के बंगाल में जाकर के, हाँ जहाँ पर एक चक्र है वहीं पर जाकर के वो जहाँ पर वहीं पर जाकर गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया एक चक्रा ग्राम, उस स्थान का नाम पड़ गया। इसलिए कहते श्री नित्यानंद प्रभु हैं कर से हराई पंडित को गृह में, कहते जो कृपा सिंधु भक्तिदाता प्रभु बलराम, देवगण आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जय ध्वनि दे रहे हैं, और उसी समय में श्री नित्यानंद प्रभु वहाँ पर अवधूत रूप में जन्म ग्रहण किया। बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, क्योंकि उन्होंने बलदेव प्रभु कौन है, कहते ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, भगवान को धारण करने वाले, भगवान को जब महाप्रभु कभी प्रेम में पछाड़ खा कर गिरते थे नित्यानंद प्रभु ही उनको धारण करते थे, इसलिए उनको दस शरीर से पंच रसों से ये श्री नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए जो कुछ उनका जो सिंहासन, कृष्ण का जो वस्त्र, उनका पादों का जो चामर व्यंजन करते हैं, जो पंखा झुलाते हैं, ये कौन है, कहते श्री बलदेव। जितना अलंकार उनका जनेऊ का दस शरीर से वो श्री कृष्ण सेवा करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए उनको पहले से ही उन्होंने धाम स्वरूप में जन्म ग्रहण किया। बोले कृपा सिंधु भक्तिदाता वैष्णव धाम, राढ़े अवतीर्ण हैल नित्यानंद राम, सही दिन है ते राढ़ मंगल सकल, बाड़ी ते लागिल पुनः पुनः सुमंगल, अनंतर प्रकाश हैल एनमते, एबे सुन कृष्ण अवतीराल जन्मते। यहाँ पर कह रहे हैं जब श्री बलदेव प्रभु वहाँ पर जन्म हुए, जन्म होने पर बलदेव प्रभु साक्षात धाम स्वरूप अपने आप उस स्थान मंगलमय हो गया हैं, सब लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु जिस जगह पर जन्म ग्रहण किए अपने आप वो स्थान हरा भरा सस्य श्यामल अपने आप हो गया सबके सब वहाँ पर। और वहाँ पर आप लोगों ने दर्शन किया था ना मंदिर, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान याद है कि नहीं, जहाँ पर हम लोग थोड़े बैठे थे, बैठ करके एक तालाब वहाँ पर था हैं, वहीं पर जीर्ण उद्धार हो रहे हैं, वहीं पर वहाँ पर बैठे थे, और वहाँ पर एक माला तला वृक्ष है। माला तला मतलब जब एक सन्यासी आ करके नित्यानंद प्रभु को लेकर के चले गए, उनको पिताजी इतने दुखी हो रहे थे, बोले नित्यानंद प्रभु के बगैर प्राण कैसे धारण करूँगा। लेकिन वो सन्यासी जाते समय एक मुरलीधर एक ठाकुर देख कर गए छोटे से, बोले देखो जब जब श्री नित्यानंद प्रभु का विरह होगा तब तक ये ठाकुर जी को जब दर्शन करोगे इसके अंदर में तुम्हें श्री नित्यानंद प्रभु दिखाई पड़ेगा, इसलिए उस ठाकुर का नाम है मुरलीधर। हम जब वो बड़े मंदिर में गए थे वहाँ पर ठाकुर जी का था मुरलीधर, और वहाँ पर जो ठाकुर जी थे उसका नाम था क्या, बांके राय। नित्यानंद प्रभु लास्ट में उसी शरीर में ही कृष्ण शरीर में ही उन्होंने लीन हो गए थे।
कृष्ण शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था। इसलिए वो जो वृक्ष का नाम मालातला, मालातला मतलब किया, उनको पिताजी हराई पंडित रोज माला जप करते थे। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु चले गए, इतने दुखी हो गए, बोले मेरे से और माला जप नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो माला को उन्होंने इसे वृक्षों के ऊपर भी लटका कर रख दी। बोले नित्यानंद प्रभु विरह में मैं और भजन नहीं कर पा रहा हूँ। हैं वो स्थान है एवे सुनो कृष्ण अब तिरला जन्मते। कहते यहाँ पर तो श्री नित्यानंद प्रभु राट देश में आए और वहाँ पर बहुत सारे स्थान हम लोगों ने देखा। वही स्थान है पांडवों का अज्ञातवास, वहाँ अज्ञातवास पांडवों का अज्ञातवास था। तुम लोग गए थे ना, तुम गए थे पिछली बार, वहाँ पर पांडव लोग भी वहीं पर रहते थे। वहीं पर उन्होंने जो बकासुर हुए, वहीं पर उन्होंने श्री बकासुर को जो एक दिन में एक सकड़ एक बैलगाड़ी पूरा खाना खाता था, हैं एक इंसान को खाता था, दो बैल को खाता था वो राक्षस, हैं रोज रोज उसको उनको भेजना पड़ता था। और वहीं पर अज्ञातवास रहते समय श्री भीमसेन ने वहीं पर उनको बद किया, वहाँ पर उनका स्थान ही जब पंच पांडव ने जहाँ पर रहे। इसलिए ये जो पांडव लोग है ना, मतलब सब जगह में उन लोगों ने भ्रमण किया, क्योंकि भगवान इनको द्वारा जहाँ जहाँ इन लोगों ने भ्रमण किया, जहाँ पर इनकी चरण धूलि पड़ा वो स्थान पवित्र हो गया, वो स्थान मंगलमय हो गया वो स्थान। इसलिए वहाँ पर भी बकासुर का भी स्थान वहाँ पर है। और वहाँ पर नित्यानंद प्रभु बचपन में जो सुंदर सुंदर लीला करते थे, वहीं पर सुंदर सुंदर लीला करते थे। वहाँ पर गंगा भी वहाँ पर प्रकट हुई है, हैं गंगा भी वहाँ पर प्रकट हुई वहाँ पर। इसलिए कहते अभी तो नित्यानंद प्रभु कैसे आए, अभी वर्णना कर रहे हैं महाप्रभु से पहले नित्यानंद प्रभु आए, अभी उसको बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, तब यहाँ पर श्री वर्णना कर रहे हैं। बोले कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। कहते महाप्रभु का पिताजी का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र। कहते जगन्नाथ मिश्र ये कौन है, हैं ये कहते ये कौन है, कहते ये और कोई नहीं, कहते ये श्री कश्यप। जब कश्यप रूप में आए, उनका बेटा रूप में कौन आया था, वामन भगवान आए थे। बोले श्री दशरथ रूप में आए तो कौन आए बेटा रूप में, राम आए, हैं कहते जब, इसलिए कहते श्री जगन्नाथ मिश्र कौन है, कहते ये सब के सब जगन्नाथ मिश्र के अंदर में सब के सब प्रवेश किए हैं। क्यों, जैसे महाप्रभु पूर्ण कृष्ण पूर्ण है, कहते वो भी पूर्ण है। बोले तार पत्नी सचिनाम महापति व्रता मूर्तिमंत वैष्णव विष्णु भक्ति सही जगन माता। उनका माता जी का नाम था श्री सची माँ। कहती ये सची माँ कौन है, कहती सची माँ ये साक्षात श्री कौशल्या, साक्षात श्री जसोदा, श्री साक्षात श्री अदिति, साक्षात श्री माता देहूति, ये जितने सब भगवान की माँ हैं। कहते श्री ये सब के सब श्री सची माता को अंदर में, ये सब सब श्री सची माता को अंदर में। इसलिए कहते जैसे कृष्ण आने से पहले उनका छह बेटे को कंस ने मार दिया था, कहते उसी तरह श्री सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु आए और अष्टम गर्भ में कृष्ण आए, उसी तरह महाप्रभु आने से पहले भी कहते इनके आठ कन्या शरीर छोड़ चुका था, हैं आठ कन्या शरीर छोड़ चुका था। कहते जो नवम में कहते श्री विश्वरूप आए और जो दसम जो बेटा हुआ श्री सचिनंदन श्री गौरहरि। बोले श्री सचिनंदन गौरहरि की, बोले श्रीमन महाप्रभु की। इसलिए हम कल सुनेंगे श्रीमन महाप्रभु कैसे जन्म ग्रहण करते हैं। ठीक है, रिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि। ठीक है, अब लोग जाओ रोशनी बना। हाँ पंचपांडव यहाँ पर है ना, गया वहाँ पर देखा कि नहीं, तो क्या देखा तुमने? ये पंचपांडव जो 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 जिस जो सुड़ंग में गए थे ना, वो सुड़ंग है ना, जिस सुड़ंग में।